दोस्तों अभी तक तो आरोप लग रहा था कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, इसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि मोदी जी जिनको फॉलो करते हैं, जिनके ट्वीट का रिप्लाई देते हैं, जिनको रीट्वीट करते हैं, उन समर्थकों की डिग्री पर भी सवाल उठ रहा है। जिन समर्थकों ने अपनी प्रोफाइल के बायो में लिखा है कि उनके पास दर्जनों डिग्रियां हैं, असल में तो वो सारी की सारी डिग्री या तो फर्जी है या जो बायो में लिखा हुआ है वो फर्जी है, ऐसा आरोप लग रहा है दोस्तों। ये खुलासा हुआ है मोदी जी के समर्थक रवि सुतंजनी कुमार को लेकर, जिन्हें ट्विटर पर मोदी जी फॉलो करते हैं और इनके ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। इन साहब पर आरोप है कि फर्जी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। ये खुलासा आखिर किस आधार पर हुआ है, तमाम सबूत क्या है जो सामने आए हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। रवि सुतंजनी कुमार, इन साहब पर आरोप है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करते हैं और वही जो ज्ञान है वो बांटते फिरते हैं। फर्जी जानकारी फैलाने का भी इनके ऊपर आरोप है और लोगों को अंधभक्त बनाने का भी इनके ऊपर आरोप है। इन तमाम आरोपों के बीच इनकी प्रोफाइल को लेकर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि इनके पास कई डिग्रियां हैं, 2 बैचलर डिग्री, 2 MBA, MDIHSC पेरिस, 1 डॉक्टरेट डिग्री, 1 IIT IMT, ITI। ये सुनने के बाद यही लगेगा ना कि भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए अगर ये कुछ कह रहा है तो ज़रूर सही ही कह रहा होगा। मान लेते हैं इसकी बात, जैसे मोदी जी मान लेते हैं, मोदी जी के मिनिस्टर्स मान रहे हैं, तो उनको थोड़ा ठहर जाना चाहिए। सतर्क आदमी नाम का एक यूज़र है जिसने इन साहब का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है दोस्तों। सबसे पहले तो रवि सुतंजनी कुमार नाम के इस बीजेपी समर्थक ने दावे क्या किए हैं वो आपको बता देते हैं। पहला दावा, इसने IIT इलाहाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, IIT, जबकि IIIT इलाहाबाद सिर्फ ECE और IT ब्रांचेस में BTech ऑफर करता है। साथ ही 2015 से लेकर 2022 के बीच जितने भी कॉन्वोकेशंस प्रोग्राम्स आयोजित किए गए दोस्तों, उसमें इन साहब का नाम कहीं भी शामिल नहीं है, यानी एक दावा तो फर्जी निकला। दूसरा, इन्होंने कहा कि PGP इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एट MDI गुड़गांव में भाग इन्होंने लिया है, जबकि सतर्क आदमी के ट्विटर के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच समान सिलेबस में भाग लेने वाले MDI पूर्व के छात्रों ने इस बात का खुलासा किया है, इनकार किया है इस बात से कि इनमें से किसी भी बैच में ये साहब तो नहीं थे। आगे इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने IIT की पढ़ाई की है, जबकि इन्होंने IIT नहीं ITI की पढ़ाई की है। व्यापार वायरमैन संस्थान कौन सा, सरकारी ITI मिर्ज़ापुर, अवधि कब से कब तक, 14 अगस्त से जुलाई 2016 तक। फिर इन साहब ने कहा कि इन्होंने Zomato में एज अ मर्चेंट डिलाइट मैनेजर काम किया है, कितने टाइम किया है ये सुन लीजिए। यहाँ इन्होंने जून 2018 से सितंबर 2018 तक काम किया, जबकि इनका लिंक्डइन प्रोफाइल कहता है कि जून 2017 से सितंबर 2018 तक इन्होंने काम किया, यानी ये भी एक झूठ। इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कर ली इन्होंने, अप्लाइड मनोविज्ञान में एक अतिरिक्त स्नातक, यानी आप कह सकते हैं BEd की डिग्री मिल गई, MDI गुड़गांव से, PGP कर लिया, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। यानी इन साहब ने जो मोदी जी के परम भक्त हैं, इनके ऊपर एक के बाद एक झूठ बोलने का आरोप है। सारी की सारी डिग्रियां जो है वो फर्जी बता दी गई हैं। इनके पास मिर्ज़ापुर के एक सरकारी कॉलेज से ITI की केवल एक डिग्री है, इसके अलावा कोई भी डिग्री इनके अपनी बताई नहीं जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये आदमी भाजपा के IT मशीनरी से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर फर्जी खबरें प्रचारित करता है, ये भी दावा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है, हम जो कुछ भी देखते हैं वो वास्तविक नहीं होता, ये भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फॉलो करते हैं और इनकी तारीफ भी करते हैं कि इन्होंने जो प्रमोट किया है, जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश की सरकारी योजनाओं को, उसके लिए इनकी तारीफ की जाती है।
आप इनके प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा रीट्वीट भी ज़रूर मिल जाएगा जो कि या तो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े किसी नेता ने किया होगा, या तो हो सकता है केंद्रीय मंत्री ने भी किया हो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी किसी को फॉलो कर सकते हैं तो फिर केंद्रीय मंत्री की तो क्या ही बात, वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी ट्वीट कर सकते हैं, वो भी रीट्वीट कर सकते हैं, वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी लिखा है ऊपर उनके बायो में, और इधर नीचे इन्होंने थैंक यू सर भी कहा है रवि सुब्रमण्यम कुमार ने, जिनका नाम यहाँ पर आ रहा है बार बार। तो जाहिर है कि इस वक्त इनकी भी डिग्री जो है वो फर्जी निकल गई है, ये पूरी तरीके से दावा है दोस्तों। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है, किस लिए आई, क्यों आई, किसने लाई, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शायद हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो केस अभी तक भी कोर्ट में चल रहा है क्योंकि डिग्री दिखाने से मना कर दिया गया। सही है, देखिए आप बेशक कुछ भी करें, आपको अगर किसी की विचारधारा पसंद है, आप उसको लेकर जानकारी फैलाना चाह रहे हैं, आप फैलाइए, लेकिन कम से कम ये तो मत दिखाइए कि आप परम ज्ञानी हैं, आपके पास डिग्रियों की भरमार है, तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि इतना पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी बात पर तो भरोसा करना सही होगा ना, ये सोचकर भरोसा कर लिया जाएगा। जबकि आप जो जानकारी फैला रहे, हो सकता है कि वो उस जानकारी में सच्चाई हो भी ना, हो सकता है वो जानकारी फेक भी हो, जिस तरीके से अभी ये दावे इन दावों में आपकी डिग्रियां फेक नज़र आ रही है, ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी दी हुई जानकारी फेक हो, तो कैसे भरोसा कर लिया जाए। और प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।